फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड 2019 के रिजल्ट की डेट से संबंधित एक अपडेट है या एक न्यूज़ छोटी सी समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रसिद्ध व्लॉग के ज़रिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, एक प्रसिद्ध व्लॉग से ये लिया गया है पोर्शन, जो इसमें बताया गया है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड की सचिव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। हालांकि रिजल्ट को अंतिम रूप देने के बाद भी इसे जारी किए जाने में 4 से 5 दिन लगते हैं, इसीलिए रिजल्ट 22 अप्रैल के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। दोस्तों तो 22 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रिजल्ट लेट हो रहा है, 16 अप्रैल या इसके आसपास की डेट पहले बताई गई थी, लेकिन अब 22 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि अप्रैल के माह में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एडमिशन जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो कॉलेज एडमिशन लेना है या जो भी कुछ प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं आपके रिजल्ट के चलते, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आपको रिजल्ट इसी अप्रैल के माह में, इसी अप्रैल के महीने में आपको मिल जाएगा। दोस्तों पिछली बार भी 29 अप्रैल को रिजल्ट आया था और इस बार भी 22 अप्रैल के बाद किसी भी डेट को रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। तो यूपी बोर्ड के कई लाख स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एग्जाम्स विद एमएस की तरफ से हम ये कामना करते हैं कि सभी का रिजल्ट अच्छा आए और सभी के अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ और सभी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करें। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपका मन करे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। ये टाइम है जहाँ पर आपको चुप नहीं बैठना है, आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि सभी का रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। तो आपको लगातार अगले लक्ष्य की तैयारी में जुट जाना चाहिए अभी से, क्योंकि अभी थोड़ी सी आपको समय मिल जाता है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इस समय को आप बर्बाद ना करें, इस समय को आप व्यर्थ ना जाने दें, आप रिजल्ट का वेट ही ना करते रहें। आप अपने नेक्स्ट तैयारी, आप अपने नेक्स्ट कोचिंग या कॉलेज या एंट्रेंस जो लोग दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं दे रहे हैं, जो अभी तैयारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो उनको ये चाहिए कि इस समय का सदुपयोग करें और बहुत ही अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। तो दोस्तों यही थी आपके लिए शुभकामनाएं रिजल्ट के लिए, सभी का रिजल्ट अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।